हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और डियर फ्रेंड्स, मैं आज फिर से एंजल गाइडेंस लेकर आई हूँ सभी के लिए। और आज मैं कुछ अलग कार्ड्स लेकर आई हूँ। सामने आपके कार्ड्स का बॉक्स रखा हुआ है, द आर्क एंजल्स एंड जेमस्टोन गार्डियन कार्ड। तो आज मैं देखूँगी कि इनसे क्या मैसेजेस निकलते हैं आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले हमारा एक रिचुअल जो हम पर डे करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आज आपका क्या मैसेज है, आज आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो कार्ड्स हैं जी, ये एंजल्स के कार्ड्स हैं। और इनमें एंजल्स का जो भी स्टोन होता है उनका प्रिंट है, और इसमें कुछ मैसेजेस हैं जो हमारे लिए हैं। तो हम शुरू करेंगे अपने पहले वाले कार्ड से। पिंक टर्मलिन, डू यू ट्रीट योर सेल्फ वेल? व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ टॉक इन गोइंग ऑन इन योर माइंड? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मैसेज निकल कर आ रहा है, ये आर्कएंजल सैमुएल की ओर से है। और आर्कएंजल सैमुएल आपसे कहना चाहते हैं कि आप दूसरों के साथ तो अच्छा बिहेव करते हो, लेकिन क्या आप अपने साथ भी उतना ही अच्छा बिहेव करते हो? क्या आप अपने लिए उतना ही अच्छा सोचते हो? या फिर आप ऐसा ही करते हो कि आपने कुछ भी मिला वो पहन लिया, आपको जो कुछ भी मिला आपने खा लिया, आपको जो भी जैसा भी मिला आपने यूज कर लिया? तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं एंजल्स कि ऐसा नहीं करना है। अगर किसी चीज़ के लिए आपकी सोल आपको मना करती है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, तो उसको मत खाइए। अगर आपका मन करता है कि आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, और आप ज़बरदस्ती पहन रहे हैं कि क्या करना है, पहनना ही तो है, किसको दिखाना है, क्या करना है, शरीर ही तो ढकना है, तो डियर फ्रेंड्स ऐसा ना करिए। और अपने लिए जो भी शब्द बोल रहे हैं, अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो आप बार बार खुद को अगर कोस रहे हैं, तो ऐसा ना करिए डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रकाश रूप में विद्यमान है, जो तेज पुंज है, वो भगवान की ऊर्जा है, गॉड की ऊर्जा है। बार बार अपने आप को मत कोसिए, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर ही है, हमारे अंदर ईश्वर ही है, और उस ईश्वर को कोसना अच्छी बात नहीं है। तो अपने आप को अच्छा रखिए, अच्छा खाइए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छा करिए, और अपने लिए जितना अच्छा हो सके अपने आप को अप्रिशिएट करिए। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को ही अप्रिशिएट करना है। आप अच्छे कामों के लिए अपनी पीठ भी थपथपाइए, खुद को अप्रिशिएशन दीजिए और करिए, वाह ये आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अपने आप को थैंक यू बोलिए। एंड डियर फ्रेंड्स, एक और बात है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है, कोई बॉडी पार्ट्स दर्द कर रहा है, तो उसको कोसिए मत कि अरे यार इसमें तो पेन ही होता रहता है, अरे यार मेरा तो पेट ही ख़राब रहता है, अरे यार मेरे तो सिर में ही दर्द होता रहता है, अरे यार मेरे तो पैरों में दर्द बना रहता है। आपको ये नहीं करना है। आपको आपके जिस भी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है उस पर प्यार से हाथ फेरिए, और प्यार से हाथ फेरते रहिए और उसको बोलते रहिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। मान लीजिए, एग्जांपल बताती हूँ आपको, अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आप अपने पैर को हाथों से सहलाइए, बार बार सहलाइए, और अपने पैरों को थैंक यू बोलिए, बोलिए थैंक यू सो मच, मैं जब से
जन्म लिया है मैंने, तब से मैं तुम पर ही सारा बोझ डाले हुए अपने शरीर का। तुम मेरे शरीर का बोझ संभाल रहे हो, मेरे लिए चल रहे हो, दिन रात मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना कर रहे हो, और मैं तुम्हें कभी भी थैंक्स नहीं बोलता हूँ। तो आपको अपने पैरों को थैंक्स बोलना है, अपने बॉडी पार्ट्स को सहलाते हुए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू थैंक्स बोलना है, और आप मिरेकल देखेंगे। आपके जो भी बॉडी पार्ट्स में पेन है, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगेगा और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस अपने आप को अप्रिशिएट करिए। और ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करे, आपको हर्ट नहीं करे, तो डियर फ्रेंड्स, उससे पहले आपको ये चीज़ें खुद के साथ करनी होंगी। आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद से करनी होगी, और जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, तब दूसरे आपको प्यार करेंगे। और यहाँ पर एफिर्मेशंस भी हैं। एफिर्मेशन है, अनकंडीशनल लव इज़ माइन टुडे एंड ऑलवेज, एवरी सेल इन माई बींग वाइब्रेट एट द रेट ऑफ लव, आई फील गुड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। तो ये आपको अपने आप को डेली एफिर्मेशंस देनी है। अब दूसरा कार्ड है रिचुअलेटेड क्वार्ट्स, और ये आर्कएंजल यूरियल का है। आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ? तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल कह रहे हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, मूव फॉरवर्ड होने के लिए रेडी हो? यू हैव द करेज विथ इन यू टू मूव अहेड विथ योर आइडियाज़ बाय गेटिंग द व्हील्स इन मोशन टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट और इंटेंशंस। रिकॉग्नाइज द अमेजिंग पावरफुल पर्सन दैट यू आर एंड शाइन ऑन। तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो? अगर हाँ, तो आप करेज के साथ आगे बढ़िए और अपने आइडियाज़ जो भी हैं उनको निकाल कर रखिए, उन आइडियाज़ पर वर्क करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और एक दिन आप शाइन करेंगे। क्योंकि ये डियर फ्रेंड्स, बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास ढेरों ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सोच के पीछे रह जाते हैं कि पता नहीं मैं इस आइडिया पर वर्क करूँगा तो लोग हंसेंगे मुझ पे, लोग खिल्ली उड़ाएंगे, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लोग ताने मारेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, किसी के भी तानों की परवाह मत कीजिए। आपने नाम सुना है ना पैडमैन का, आपने मूवी भी देखी होगी जिसे अक्षय कुमार ने प्ले किया है। तो आप ये सोचिए कि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो पहले उसमें हमें बुराइयाँ मिलती ही मिलती हैं, लोगों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन हमें उन बातों को ध्यान ना देकर अपने गोल पर फोकस रखना चाहिए, और धीरे धीरे देखना आपकी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप पाना चाहते हैं, पैसा, प्रसिद्धि और नाम। अब अगला मैसेज देख लेते हैं। अगला मैसेज आर्कएंजल एरियल का है ये भी, और सन स्टोन है ये। हैव यू बीन फीलिंग डाउन इन द डम्प्स? डू यू नीड सम एंथुजियाज्म? तो ये मैसेज ये बता रहा है कि अगर आप दूसरों के द्वारा कुछ भी कहने से आप अपनी एनर्जी को डाउन कर देते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपने पर्पज़ के लिए आगे बढ़िए, अपने अंदर की वो पावर को जगाइए और उस चीज़ को सर्च करिए जिसके लिए आप हैं या जिसके लिए आपने जन्म लिया है। आप क्या चीज़ के लिए आप वर्क करना चाहते हैं वो देखिए। यू आर अलाइन विद द मैग्निफिकेंस मैग्निफिकेंस एंड द करेज टू शो योर स्प्लेंडर। तो गॉड ये कह रहे हैं, डिवाइन एंजल्स का ये कहना है आपके साथ कि आप जो काम करना चाहते हैं उसे फुलफिल करिए, जिस काम के लिए आप आए हैं उसको करिए, और सोचना और दूसरों के बारे में ये करना कि कौन क्या कहेगा वो निकाल दीजिए माइंड से, आगे बढ़िए लाइफ में, और आपको देखकर बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर एफिर्मेशंस देख लेती हूँ। आर्कएंजल एरियल है, माई लाइट शाइन ब्राइटली, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड रिकॉग्नाइज माई वैल्यू एंड वर्थ। अदर पीपल्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज माई वैल्यू एंड वर्थ। तो डियर फ्रेंड्स,
आपको अपने लिए अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिजायर्स हैं, आपने जो सपने देखे हैं उन पे आपको वर्क करना है। कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा उसको सबको सोचना बंद करिए। आप जब सफल होंगे तो दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भागने लगेगी। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा करते रहिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के मैसेज। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप उतना ज़्यादा लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा, उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करेज मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की रीडिंग इतनी ही। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।